हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर गुड। सो आज की जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, एक नया एक अपडेट आया है यूट्यूब पे। जब भी हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या है ना कि एक ऑप्शन आ रहा है अल्टर्ड कंटेंट, लाइक अल्टर्ड कंटेंट का करके एक ऑप्शन आ रहा है। आप सभी लोगों ने आई थिंक देखा होगा। तो वो उसमें यस और नो करना है, राइट? तो आज हम जानेंगे इसमें कि हमें किस पॉइंट पे यस करना है और किस लिए हमें उसमें नो करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसमें कंफ्यूजन हो रहा है। मुझे भी हुआ था जब मैंने फर्स्ट टाइम ये देखा ऑप्शन, क्योंकि ये न्यू न्यू ऑप्शन आया है अभी, राइट? तो चलिए पहले हम थोड़ा सा स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखते हैं कि हम कहाँ पे ये ऑप्शन है। तो जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं कि हमारा जब भी हम वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं, शॉर्ट में या लाइक लॉन्ग वीडियो, किसी भी तरह की हम वीडियो जब अपलोड कर रहे हैं, तो ये ऑल्टर्ड कंटेंट करके ये ऑप्शन आ रहा है, ठीक है? अब ऑल्टर्ड कंटेंट में आपको यस करना है या नो करना है, ये हमें समझना है, ठीक है? सो यस किस केस में करना है और नो किस केस में करना है, वो हम पहले समझ लेते हैं। तो यस हमें तब करना है जो अगर हम कोई भी चीज़ एआई से रिलेटेड कर रहे हैं। एआई से रिलेटेड इन द सेंस कि हमने फेस चेंज कर दिया एआई से, हमने कोई म्यूजिक चेंज कर दिया एआई से, या हमने एआई से वीडियो जनरेट कर ली है, मतलब एआई से रिलेटेड जो चीज़ें हो रही हैं उस केस में हमें इसमें यस करना है। अगर आपका अपना पर्टिकुलर एक वीडियो है, आपका खुद का है सब कुछ, आपने अगर म्यूजिक भी लगाया है तो वो जनरली वैसा ही म्यूजिक है, एआई से आपने नहीं लिया है कुछ भी। एआई जनरली क्या होता है कि इसमें दिखा भी हुआ है कि एआई से जैसे क्या होता है ना कि फेस मतलब हम दिखा रहे हैं लेकिन वो है नहीं, तो एआई से काफी सारी चीजें ना जनरेट हो जाती हैं, राइट? तो एआई आजकल बहुत चल रहा है, सभी लोगों को पता है। तो एआई से रिलेटेड आप जो भी चीजें ले रहे हो ना, चाहे आप फेस चेंज कर रहे हो, म्यूजिक चेंज कर रहे हो, बैकग्राउंड चेंज कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उस केस में आपको यहाँ पे यस करना है। और अगर आपने नहीं कुछ भी किया, आपका अपना है, तो आपको नो करना है, ठीक है? और देखिए यहाँ पे ना इसकी पूरी पॉलिसीज भी दी हुई है। अगर हम बात करते हैं ना, तो यहाँ पे हमें पूरी पॉलिसी भी पीछे दिख रही है। देखो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमें सारा कुछ पॉलिसीज क्या है क्या नहीं है सब कुछ दिया हुआ है, और इसका इम्पैक्ट है, इस पे आपको यस या नो करना पड़ेगा, ठीक है? ऐसा नहीं कि आप ऐसे ही छोड़ दोगे, क्योंकि इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसलिए आपको यस या नो पे क्लिक करना है एज पर योर वीडियो। आपकी वीडियो किस पे बेस्ड है क्या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग आपको यस नो करना पड़ेगा। तो एक्चुअली क्या होता है कि यूट्यूब टाइम टू टाइम अपनी चीज़ों को अपडेट करता रहता है, ठीक है? कुछ ना कुछ नया लेकर आता रहता है। अब जैसे एआई अब चल रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है? तो बहुत लोग हैं जो एआई से वीडियो बनाते हैं, तो उनको यहाँ पे यस ही करना है। और अगर हम इसमें नहीं करते हैं सब चीज़ें, जिनके चैनल मोनेटाइज हैं तो उनके लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है? डिसेबल हो सकता है मोनेटाइजेशन, ठीक है? बहुत सारी चीज़ों का इसमें इम्पैक्ट आएगा अगर आप इन चीज़ों पे यस या नो टिक नहीं करते हैं एज पर योर वीडियो, ठीक है? तो हम जैसे हम मैं हूँ, मैं एआई से वीडियो नहीं बनाती हूँ, तो मेरा ऑफकोर्स मैं नो ही करूँगी, क्योंकि मैं कोई भी वीडियो मेरी एआई से नहीं होती है कभी भी। मेरा जो भी होता है मेरा अपना होता है और मैं अपना ही सब करती हूँ, तो इसलिए मैं तो इसमें नो ही रखूँगी। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि YouTube पे ये छोटे छोटे अपडेट आते रहते हैं, तो इनका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम YouTube पे काम कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, तो हमें क्या अपडेट आ रहा है, क्या चीज़ें चल रही हैं, इन सब चीज़ों पे हमें फोकस करना पड़ेगा। तो यही थी एक छोटी सी अपडेट जो भी YouTube पे आई है रिसेंट, तो आई थॉट कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ ये, और मुझसे एक दो लोगों ने पूछा भी था। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में भी आ गया होगा तो किस तरह से कहाँ पे आपको यस नो करना है, तो वो आप अकॉर्डिंगली अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है? अगर एआई से आप बना रहे हैं तो यस करना है, और अगर आपका अपनी वीडियो है तो आप नो करेंगे, ठीक है? सो वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।